Good morning everyone, I'm Komal Yadav. Today we are going to discuss about the chapter 6 of the class 7th and we are discussing about the crystallization. This is the topic of the day, crystallization hota kya hai. अगर हम बात करें क्रिस्टल की तो ये एक प्योरेस्ट फॉर्म होता है किसी भी सब्सटेंस का. ओके, किसी भी सब्सटेंस का अगर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे या फिर एटॉमिक लेवल पे तो ये सबसे कह सकते हैं कि प्योरेस्ट फॉर्म होता है, सबसे शुद्ध बोलते हैं हिंदी में. ओके, फॉर्म होता है और इसका अरेंजमेंट तो जो होता है ज्योमेट्रिकल पैटर्न से होता है. जब भी आप अगर हम क्रिस्टलाइजेशन की बात करेंगे तो आप अपने घर में चीनी देखेंगे. ओके, चीनी को आप देखिएगा तो उसके क्रिस्टल्स होंगे, उसके ज्योमेट्रिकल पैटर्न में उसके हर एक क्यूब्स आपको देखने को मिलेंगे. फिर उसके बाद से आप सॉल्ट को भी इस तरीके से अब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो ये सब होगा प्योरेस्ट फॉर्म. ओके, यूजुअली अगर हम एग्जांपल की अदर तरीके से बात करें तो आपने सी वाटर को पता होगा, सी वाटर में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में नमक घुला होता है. ठीक, जब भी हम इसको क्या करते हैं बॉईल करते हैं तो उसका पानी जो होता है वेपरेट हो जाता है, आपको फिर उसके बाद से सॉल्ट मिलता है. लेकिन ये हम इसे क्रिस्टल नहीं बोल सकते. जो सॉल्ट मिलता है इसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ मिली रहती है, यानी कि सॉल्ट वाटर में कई सारी इम्प्योरिटीज़ मिली होती है. जब तक कि हम उसका प्योरेस्ट फॉर्म नहीं मिल जाता तब तक उसकी क्रिस्टलाइजेशन प्राप्त मतलब नहीं ले सकते. जैसे कि अगर आपको पता है सॉल्ट वाटर यानी कि जो सी वाटर जो होता है उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं. ओके, जब हम बॉईल करते हैं तो उसमें पानी जो है एवेपोरेट हो जाता है, लेकिन कई सारे और भी मिनरल्स उसमें एडेड होते हैं. ओके, जो भी हमें मिलेगा उसमें सॉल्ट ज़रूर होगा. ओके, लेकिन उसको क्रिस्टल नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें और भी कई सारी इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं. हमारा काम क्या है कि जब भी किसी चीज़ का हमें क्रिस्टल मिल रहा है तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जो भी सल्यूशन था इसका वो प्योर फॉर्म में हो. जैसे कि वाटर और सॉल्ट या फिर वाटर और शुगर का अगर हम सल्यूशन बना करके सैचुरेटेड फॉर्म में फिर हम उसका क्रिस्टल बनाते हैं, यानी कि फिर उसके बाद से इवेपोरेट करके उसका क्रिस्टल लेते हैं, तो हम बोलेंगे कि हाँ वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है. तो कह सकते हैं प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, लार्ज क्रिस्टल ऑफ द प्योर सब्सटेंस ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से प्योर फॉर्म में बड़े बड़े क्रिस्टल अगर ज्योमेट्रिकल फॉर्म में आपको पैटर्न में दिखाई देते हैं तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. ओके, और भी कई सारे टेक्निक हैं जिससे हमें क्रिस्टल्स प्राप्त मतलब मिल सकते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें प्योरेस्ट फॉर्म की तो आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक कप ले रहे हैं, उसमें वाटर डाल रहे हैं और फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं. ठीक, यानी कि अगर हम कप ले रहे हैं, कप में हम वाटर डाल रहे हैं, इस वाटर में कुछ ड्रॉप में हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब ये होता है कि ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें वाटर की क्वांटिटी है. ओके, डालने के बाद हम क्या करते हैं इसको बर्नर पे रख रहे हैं. ठीक, ये बर्नर पे रखा हुआ है. ठीक, बर्नर पे रखने के बाद ये बॉईल होगा धीरे 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 धीरे. फिर हम क्या करेंगे इसमें कॉपर सल्फेट के पाउडर जो है इसमें डालते जाएंगे और उसको हिलाएंगे. ओके, हम क्या कर रहे हैं कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं और इसको धीरे धीरे हिला रहे हैं. हिलाने के बाद धीरे 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 हिलाने के बाद एक ऐसा समय आएगा कि इसके और हम डालने पर वो डिसॉल्व नहीं होगा, हमें पता चल जाएगा कि अगर हम और डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा. उस कंडीशन में हम इसको बर्नर से निकाल के साइड में रख देंगे और अनडिस्टर्ब कुछ दिन तक छोड़ देंगे. कुछ दिनों बाद आप देखेंगे तो उसमें कुछ क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के आपको दिखाई देने लग जाएंगे. ओके, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो है प्रॉपर तरीके से आपको उस पर दिखाई जाएंगे. छोटे छोटे पहले दिखेंगे, फिर आपको ऐसे ही आपको उसको हिलाना नहीं है, मिक्स नहीं करना है, आपको ऐसे ही छोड़ देना है. फिर कुछ दिनों बाद आपको प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आपको क्रिस्टल्स दिखाई देंगे. इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि किसी भी प्योर सब्सटेंस का क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कैसे कर सकते हैं और कैसे मिल सकता है. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.